दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं पाइनियर के सबवूफर के अनबॉक्सिंग, तो करते हैं इस वीडियो का शुभारंभ। ये है पाइनियर का TS-WX300TA जो कि इनबिल्ट क्लास डी एम्पलीफायर के साथ आता है। बॉक्स की पैकेजिंग कुछ इस तरह से है, चलिए इसे बाहर निकाल लेते हैं। दोस्तों क्लास डी एम्पलीफायर होने के कारण ये मैक्सिमम आपको 90% तक आउटपुट दे सकता है और इसका वेट 9.60 kg है और ग्रॉस वेट 11.5 kg है और इसमें 12 इंच का स्पीकर लगा हुआ है जो कि मैक्सिमम म्यूजिक पावर 1300 वाट तक जा सकता है और नॉमिनल पावर इसका 350 वाट है। और इसके एम्पलीफायर की अगर बात की जाए तो पावर सोर्स इसका DC 14.4 वोल्ट है जो कि 10.8 वोल्ट से लेके 15.1 वोल्ट तक अलाउ करता है और मैक्सिमम इसका पावर कंजप्शन 13 एम्पियर है। ये सिस्टम स्पीकर बेस रिफ्लेक्स टाइप का है जो कि फ्रीक्वेंसी रिस्पांस 20 हर्ट्ज टू 130 हर्ट्ज तक लेता है। सबवूफर के टोटल साइज़ की अगर बात की जाए तो इसका डाया 33 सेंटीमीटर का है और लंबाई इसकी 66 सेंटीमीटर है। दोस्तों एक्सेसरीज जो कि इसमें इंक्लूडेड है वो है पावर सप्लाई केबल जो कि 20 एम्पियर के फ्यूज़ के साथ आता है। और ये कनेक्टर भी साथ में इसमें दिया जाता है जिसमें रिमोट वायर, ग्राउंड वायर और RCA कनेक्शन का केबल साथ में होता है। येलो वायर पावर सप्लाई केबल है जो कि पॉजिटिव होता है, ब्लैक वायर ग्राउंड केबल है जो कि नेगेटिव होता है, ब्लू वायर इसमें रिमोट वायर है जो कि इंजन के स्टार्ट होने में आपके एम्पलीफायर को स्टार्ट करता है और दो RCA केबल है इसको आप RCA केबल के थ्रू या स्पीकर लाइन के थ्रू कनेक्ट करके अपने प्लेयर में लगा सकते हैं। दोस्तों इसमें सभी तरह के एक्सेसरीज दिए गए हैं तो केवल आपको RCA केबल या फिर एक वायर की ज़रूरत पड़ेगी जिससे आप एम्पलीफायर को प्लेयर के साथ कनेक्ट कर सकें। और साथ ही साथ इसके एक्सेसरीज़ में आपको बेल्ट और बक्कल भी दिए गए हैं जिससे आप अपने सबवूफर को अपने कार के डिक्की में अच्छे से फिक्स कर सकते हैं। दोस्तों इसके साथ दिए गए सारे एक्सेसरीज़ की क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसमें बेल्ट और बक्कल का भी क्वालिटी बहुत अच्छा है और मेरे वाले केस में मैंने एक वायरिंग किट भी ली थी तो वायरिंग किट की भी एक रिव्यू आ जाएगी। मैंने पावर केबल के लिए उसका केबल यूज़ किया था और एक RCA केबल यूज़ किया था साथ में जिससे अच्छी क्वालिटी मिल जाए। RCA केबल ना होने के केस पे आप एक वायर का भी यूज़ कर सकते हैं आपके एम्पलीफायर को कनेक्ट करने के लिए, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों इसके एम्पलीफायर में और कंट्रोल्स दिए गए हैं जिसमें गेन है, उसको आप लो टू मैक्स कर सकते हैं, पावर के लिए एक इंडिकेटर लाइट है और इनपुट RCA टू SP लाइन करने के लिए एक बटन भी दिया गया है और साथ ही में इसमें 20 एम्पियर का फ्यूज़ भी दिया गया है। दोस्तों रिव्यू का वीडियो अगले वीडियो में आएगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताएं।